करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपने घरों में भी दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों की स्थिति जो देश ने बना के रखा है ये बहुत ही दुखदायी है। और वर्तमान की सरकार जो 2014 में आई थी पूर्ण बहुमत की सरकार, हमने सोचा था कि आदिवासियों का जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका भलाई होगा, उनका जो अधिकार मिलेगा। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि जो वन पट्टा का अधिकार होता था आदिवासियों का, एक आदिवासी को बारे में बताना चाहूँ कि वो सरल स्वभाव के होते हैं, उनमें जो जटिल प्रक्रियाएं होती है उनकी जानकारी नहीं होती, वो संचार के माध्यम से कटे हुए रहते हैं, अखबार से भी कटे हुए होते हैं, दूर दराज जंगलों में रहते हैं। तो 2006 का जो अधिनियम था सर वन अधिकार का, उसको हनन करने का काम यहाँ पे किया गया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी डेट पे सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो पक्ष नहीं रखा गया सरकार के द्वारा। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे पूरे आक्रोशित हैं कि जिस सरकार को हम लोग ने पूर्ण बहुमत के रूप में चुना, उस सरकार ने आदिवासियों को तरहीज देने की काम नहीं की, उनके हक और अधिकार के आवाज़ को उठाने का काम सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में 20 लाख से भी ज़्यादा आदिवासी वनवासी परिवारों को जिस तरीके से विस्थापित करने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से जमीन जंग जंगल का अधिकार से भी हटाने का काम किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए जिस हद तक पर जाना होगा हम कसम खा के यहाँ से जाएंगे कि वर्तमान की जो सरकार अगर आदिवासी के हित में काम नहीं करती है, अगर वन पट्टा का अधिकार नहीं देती है, अगर भाषा परंपरा जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं देती है, तो हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो पुतला दहन करके हम लोगों ने विरोध किया है, विरोध के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज अगर आदिवासी जंगल में है तभी आदिवासी जंगल सुरक्षित बचा हुआ है। चूँकि 2006 में जिस प्रकार का कानून बना हुआ था, वन पट्टा का अधिकार दिया गया था, उसे पूरी तरीके से खारिज करके आज वहाँ से जंगलों से हटाने का बात सरकार करती है। चूँकि ये सरकार कॉरपोरेट घराने के हाथों बिक चुकी है, और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कॉरपोरेट घराने की दलाली चमचागिरी करना बंद करें, अन्यथा ये आदिवासी आज पूरे भारत में 15 करोड़ के आसपास है। जब आदिवासी बिगड़ेगी तो ये देश में गृह युद्ध की ओर चला जाएगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए सरकार चेते और जिस प्रकार से जल जंगल जमीन की हम लोग रक्षा करते हैं और उनके वन अधिकार का जो पट्टा है उसे सरकार पुनः उन्हें दे, और जंगल में रहने का एक अधिकार आदिवासी को है उसे पूरा सुरक्षित करे।